ओम शांति। आज मीठे मीठे बाबा की 26 दिसंबर 2018 के महावाक्य हैं। मीठा मीठा बाबा कितने मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अब तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते जो कभी रोना ना पड़े। रोना ऐ कल्याण या देह अभिमान की निशानी है, रोना ऐ कल्याण व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। बल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और हुआ कुछ और। कितना भी कोशिश करें ये भावी टाले टल नहीं सकते। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है, जो साक्षात्कार किए हैं वे सब प्रैक्टिकल में होना ही है। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। जब होना है फिर चिंता किस बात की। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहां फिर भक्ति का गायन नहीं है। यहां बाबा के ज्ञान में आने के बाद फिर भक्ति का गायन, यहां तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंचा वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म ले तो फिर रोने की दरकार क्यों? जब पता है कि वो स्वर्ग में गया फिर रो क्यों रहे हो? सोचो, तुम्हारा अपना कोई स्वर्ग में गया है, कितनी खुशी की बात है, फिर तुम रो रहे हो क्यों भाई? वास्तव में सच्ची बात तो है नहीं कि वो स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं। क्यों? क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर खुश रहेंगे। रोना तब होता है जब कोई ना कोई एक कल्याण होता है। सतयुग में कभी एक कल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी कोई रोते रोते नहीं है। क्योंकि दुख होता है तो रोते हैं। रोना तब आता है जब कोई एक कल्याण हो। एक कल्याण की बात ही नहीं होती। यहां तो कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वो एक ही कल्याणकारी है, तो जरूर सबका कल्याण करेंगे।
तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वो परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला तो और कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं, मन मना इसमें ही कल्याण है। सत्युग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ कम सुख कम हो जाता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग को जो बाप आकर स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा चाहिए। पूरा वर्षा पाए तभी तो अच्छा है। ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना, हर एक को अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, और वो भी बाप की श्रीमत। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय और दूसरा है फिर देवी संप्रदाय। अभी तक रावण राज्य है, दूसरे तरफ में देवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अभी देवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं देवी संप्रदाय बना रहा हूं। कहेंगे देवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं देवी संप्रदाय सतयुग में होता है, तो बाप कहते हैं आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता बनाऊंगा तो अभी ना, पहले बनाऊंगा तभी तो वो आएगा ना। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय देवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा, क्या कहा गुरु नानक ने, मानुष से देवता किए करत न लागी बार। परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? वो ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानता ही नहीं। गुरु नानक तो खुद ही आदि मध्य अंत को नहीं जानता, तो वो कैसे बनाएगा? उसने कहा कि मनुष्य से देवता किए परमात्मा ने, और मनुष्य से देवता बनाने में परमात्मा को कोई देर नहीं लगती। परंतु उन्होंने समझ लिया, गुरु नानक ने कहा, वो ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते ही नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं, वो भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। जिनके आगे जन्म में त्रिकालदर्शी, वो उससे पहले वाले जन्म में क्या थे? त्रिकालदर्शी थे, सुदर्शन चक्रधारी थे, तब वो राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को। तो ये भी समझाना है कि सुदर्शन चक्र ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का है। तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे, वो तो कृष्ण को भी कह देते हैं, विष्णु को भी कह देते हैं, ये तो जानते ही नहीं कि विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण, ये भी नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी, जो होने वाली है उसको कोई टाल नहीं सकते हैं। ये तो ड्रामा है ना। तो पहले पहले बाप का परिचय दें या ड्रामा का राज समझाएं। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है, जहां जहां भगत हैं उनको जाकर समझाओ। अखबार में भी पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, हिमालय लाखों लाखों साल पहले बना था।
अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? ये तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है। कब रचा गया हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र को भी बतावें? कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलना है। यह है ईश्वरीय फैमिली, ईश्वरीय। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं है कि उसने जीवन मुक्ति पाई। जीवन मुक्ति या राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। हम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो, बच्चे बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलता है ना। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वे तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। वो एक आया, कृष्ण आया, उस धर्म को मानने वाले ऊपर से आत्माएं आती जाएंगी। इब्राहिम आया, बुद्ध आया, जो भी आया उसके बाद उस धर्म को मानने वाली आत्माएं उसके पिछाड़ी आती जाती हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने के लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है। ये सिरदर्दी तुम्हारी नहीं है, ये माथे अपने मत रखो। लायक बनाना बाप का काम है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक बनाते हैं, जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक बनाते हैं। पांच तत्व भी नालायक बन जाते हैं, प्रकृति भी क्या बन गई है? नालायक बन गई है। फिर लायक बनाने वाला बाप है तुम्हारा। अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था, तो कोई आश्चर्य भवत भगंती भी हो जाते हैं, फारकती भी दे देते हैं। पर प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, ये भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबका एक्ट में आना, हर आत्मा को पार्ट बजाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए इस दुनिया में आना है। ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म के लिए और कम से कम एक जन्म के लिए हर आत्मा को यहाँ आना पड़ता है। कम से कम एक जन्म के लिए लास्ट में आना पड़ता, वो भी सिर्फ एक साल के लिए। एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल परम धाम में आराम कर सकती है। एक साल के लिए उसे इस धरती पर आना ही पड़ता है। एक साल में कितनी अच्छी बात है, जान छूट गई। कितनी अच्छी बात है, हम फंस गए। वो अच्छे हैं, ठीक है। विचार करना है ना, एक्टर कौन सा अच्छा होता है, जो शुरू से लेके लास्ट तक पार्ट बजाए या सिर्फ थोड़े से एक प्लेट रखने के लिए टेबल पर आए। कैसा एक्टर बनना है वो सोचना है, क्योंकि कौन कहते हैं कि ये वो अच्छा है जो यहाँ आकर दुखी होते हैं, जिनके जो यहाँ के वातावरण से। और उसमें भी सत्तो रजो तुमो सारे आ गए, उसने इतना कहा मतलब 2-4 महीने ही दुख भोग है, बाकी तो ऐश करिए। तो माँ के गर्भ में 6-7 महीने तो उसके माँ के गर्भ में चले गए, बाकी क्या रहा, वो हिलाते डुलाते रहे उसको, गोदी गोदी में चला गया। पाप में गया ना, कष्ट ही कष्ट, जन्म में पाप, मरण में पाप, चलो। मतलब उससे क्या पता दुनिया क्या होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए आत्मा परम धाम में रह सके। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं है, सबकी बात है ना। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं
कल पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे सबको माया ने क्या कर दिया, ना लायक बना। फिर क्या होता है कि पुरुषार्थ के कोई आश्चर्यवत भगंती भी हो जाते हैं, बाप को फारकति भी दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, ये भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है, ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है, नर चाहत कुछ और भाई कुछ और की और, पीस हो परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो, तुमने साक्षात्कार किया, वो बल कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परंतु ये भावी ताले तल नहीं। अर्थक्वेक नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, वो क्या कर सकते हैं, कहेंगे ये तो गॉड का काम है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है, याद में रहते हैं, सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं ना, तुम जानते हो ये भावी टलने के नहीं है, अन्न नहीं है, मनुष्य को रहने के लिए जगह नहीं है, तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, तुम्हारा ये है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं, बाप भी कहते हैं मैं बच्चों को ही सन्मुख आकर मत देता हूँ, बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की बात नहीं, हम परिचय देते हैं बाप का, हम परिचय देते हैं बाप का, बाप कहते हैं मुझे याद करते करो तो विकर्म विनाश होंगे, सदस्यान चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, मन मना भव, अपने मन को मनाना है बाबा के ज्ञान से। कि बाबा में क्या समझा रहे हैं, वो एक एक बात रोजाना जो भी मुरली में बाबा कहते हैं एक एक बात बुद्धि को समझानी। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो, बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना, क्योंकि बिना परिचय के तो बाप को याद कर नहीं सकते, कौन देगा परिचय, स्वयं परम पिता परम आत्मा शिव अपना परिचय देते हैं। गीता में मुख्य एक ही भूल कर दी है, बाप की बजाय बच्चे का नाम लिख दिया है, सब आत्माओं का वो फादर है, वो रचयिता है, वो नॉलेजफुल है और नई नॉलेज देते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का को वे जानते हैं, वो है ऊंचे ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, मनुष्य कभी राजयोग सिखला नहीं सके, हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भाव और मध्याजी भाव, मनमना भाव और मध्याजी भाव, मनमना भाव माना अपने मन को बैठकर मनाओ, मध्याजी भाव माना मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। बल झाड़ और ड्रामा की नॉलेज भी बुद्धि में रहती है, डिटेल में समझाना पड़ता है, रिजल्ट में फिर एक भी बात, रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और रचना के साथ सारे विश्व की बात आती है।
दुनिया ये नहीं जानती कि नर्क का रचयिता कौन है। स्वर्ग का रचयिता बाप है, और आप बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे, ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है। तोते माफिक नहीं, रट्टू तोते माफिक नहीं, निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात ही नहीं रहती है। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम या तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बच्चों को संभालना है, बच्चों को पालना है, बाप को और चक्र को याद करना है, चक्र को भी याद करना है, बाप को भी याद। कितना सहज है बाप और चक्र को जानना, तो बहुत सहज है ना। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कुछ सपूत बच्चे भी हैं तो कोई कपूत बच्चे भी हैं। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं, बाप कहते काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, ये कुल पर दोष लगाने वाली बात है। कामचिता पर थोड़े जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए कामचिता पर जाने का। सन्यासी आदि को अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़े कहेंगे, वो तो रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबकी सबको सच्ची बात बताते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा, हम आपकी मत पर चलेंगे और स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे और बाबा कहते बच्चे फिर विषय गटर में गिरने के ख्याल क्यों करते हो। तुम बच्चियां जब ऐसे ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं है। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, और त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला का चित्र हो, त्रिमूर्ति झाड़ और दिलवाला का चित्र हो, दिलवाला जिसपे बना हुआ है, कौन सा चित्र है? हाँ, नहीं देखा, प्रदर्शनी अंक उठाना और उसमें देखना, दिलवाड़ा चित्र, दिलवाड़ा मंदिर उसमें बना हुआ है। हाँ, प्रदर्शनी अंक निकालो, उसमें देखो, ठीक है, पुरुषोत्तम संगम युग, उसके चित्र के ऊपर लिखा हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग, उसमें दिलवाड़ा मंदिर ऊपर बनाया हुआ है। कोई नहीं, प्रदर्शनी अंक निकालना अभी, फिर उसको देखना, नहीं तो सारी बात अधूरी रह जाएगी। बाकी देवी झाड़ जो पास्ट हो गया वो दिखाते हैं, ऐसे सर्विस कोई करके दिखाए तब तो बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल किया है, जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, ये प्रदर्शनी व्यंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी कहते हैं बिजनेस है, तो उसका तो आरती नहीं, बाप एक है, बाकी है भाई बहन, बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल खीर खान कैसे होंगे, ये बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि लिए
युक्ति रचनी है, कैसे हम वृद्धि करें इसकी। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो शर्म आनी चाहिए। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते बाबा को उनको तो शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। जो सेवा नहीं करते हैं उनको लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे क्या फायदा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शरीर निर्वाह काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करने हैं। किसी भी परिस्थिति में रोना या मुझरा ना रोना है और ना ही मुझरा। श्रीमत पर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान है आज का, शीतला देवी बन सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं दे सकते, कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं दे सकते। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतल देवी बन जाती है। शीतला देवी कभी क्रोध नहीं कर सकते। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है ना, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। जहां अंश है वह वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतला देवी देव हो इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो, दब जाए, बस खत्म। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। ओम।